ये तस्वीरें 9 साल पहले की हैं, जब देश के प्रधानमंत्री बिना किसी सुरक्षा, बिना कोई लाभ लश्कर लिए सीधा पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड कर चुके थे। उनकी एसपीजी सुरक्षा और जांच एजेंसियों के पसीने छूट रहे थे, सब हक्के बक्के थे। ये क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ये क्या कर रहे हैं? कई तरह के सवाल थे जिनके जवाब खुद पीएम के पास भी नहीं थे। उनके मन में बस एक ही बात थी, दोस्त ने बुलाया है, चलो यार देखा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान अपने हाथों में लेने के बाद कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए जिसके बाद दुनिया में उनकी छवि ताकतवर और कद्दावर नेताओं में होने लगी। उनके बड़े फैसलों में से एक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, जिसने भारत पाकिस्तान ही नहीं बल्कि एक समय पर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, प्रधानमंत्री मोदी ये क्या कर रहे हैं? तारीख 25 दिसंबर 2015, जगह पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट। वो दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। पाकिस्तान के लाहौर एयरपोर्ट को पाकिस्तानी सेना ने चारों तरफ से घेर रखा था। शाम के ठीक 4:52 पर भारतीय वायुसेना का एक विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरता है। दुनिया जहां से करोड़ों लोगों की नजरें उस मंजर को अपनी आंखों में कैद करने को बेताब थी। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुला, तमाम मीडिया के कैमरों ने उस पर फोकस बढ़ाया। प्लेन से भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उस वक्त के विदेश सचिव एस जयशंकर और कुछ अफसर एक एक करके उतरने लगे, लेकिन हजारों लाखों निगाहें मानो कुछ और ही तलाश कर रही थी। वक्त हुआ 5:04, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर पाकिस्तानियों का अभिवादन करते हुए विमान से बाहर आए। दुनिया देखती रह गई। मोदी ने नीचे आकर सबसे पहले अपने दोस्त नवाज को गले लगाया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पहले से बाहें फैलाए मोदी का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मोदी को गले लगाया और हंसते हुए कहा, आखिरकार आ ही गए आप। उसी वक्त उसी जगह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद नवाज ने उन्हें अपने साथ आए लोगों से मिलवाया और फिर दोनों दोस्त आपस में बातें करते हुए पैदल आगे बढ़ने लगे। कुछ ही कदमों की दूरी पर पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर खड़ा था, जिसमें पीएम मोदी अपने दोस्त नवाज के साथ सवार हो गए। वैसे तो प्रोटोकॉल के तहत किसी भी देश का मुखिया किसी दूसरे देश के विमान में सवार नहीं हो सकता, लेकिन पीएम मोदी को उस वक्त किसी प्रोटोकॉल की चिंता कहां थी। उन्हें तो बस छोड़नी थी एक अमिट छाप जो दुनिया की किसी भी रबर से मिटाई नहीं जा सकती। तो जैसा हमने आपको बताया कि पीएम मोदी पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठ गए, उनके साथ नवाज शरीफ, अजीत डोभाल और एस जयशंकर भी सवार हुए और नवाज के घर की तरफ चल दिए। 5:10 पर जैसे ही पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, भारत के इंटेलिजेंस एजेंसियां और अधिकारी टेंशन में आ गए। उन्हें डर था कहीं बदमाश पाकिस्तान की इसमें भी तो कोई चाल नहीं, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के खिलाफ था। आमतौर पर भारतीय प्रधानमंत्री दूसरे देश के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ सकते। साल 2015 की बात है, अफगानिस्तान में तालिबान फिर से पैर पसार रहा था। उधर अमेरिका अपने सैनिकों को वापस बुला रहा था। ऐसे में अफगानिस्तान सरकार को दुनिया से मदद की उम्मीद थी। चीन और पाकिस्तान इस मौके का फायदा उठाने के लिए उसे सपोर्ट कर रहे थे, ताकि वे अफगानिस्तान में अपना दबदबा कायम रख सके। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि अफगानिस्तान भारत के लिए कई मायनों में जरूरी है। भारत वहां पाकिस्तान का रसूख बढ़ने नहीं देना चाहता था। साथ ही ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में जाने का रास्ता भी अफगानिस्तान से होकर गुजरता है, इसलिए भारत ने भी अफगानिस्तान के लिए मदद का खजाना खोल रखा था। तालिबान से लड़ने के लिए उसे 3 लड़ाकू विमान भी दिए थे। इन सब के चलते पीएम मोदी 2 दिनों की रूस यात्रा के बाद 25 दिसंबर की सुबह काबुल पहुंचे। वहां भारत की मदद से 900 करोड़ रुपए की लागत से बने नए संसद भवन का उद्घाटन किया और अपने भाषण में नाम लिए बिना पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। पीएम के तय कार्यक्रमों के मुताबिक पीएम मोदी को काबुल से सीधा दिल्ली आना था। इसी बीच दोपहर ठीक 1:31 पर उन्होंने ट्वीट किया कि
कि मैं लाहौर में पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ से मिलने वाला हूं। ये खबर आग की तरह फैली। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच है। 11 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान जा रहा था, वो भी अचानक, बिना कोई सिक्योरिटी, वीजा पासपोर्ट के। एयरपोर्ट से करीब 50 किलोमीटर दूर भारत के दुश्मन और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का हेडक्वार्टर भी है। बाद में उसने मोदी के दौरे का विरोध भी किया था। उसने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए कहा था, मोदी ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, उसकी इतनी आवभगत नहीं होनी चाहिए। इससे पाकिस्तान के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। न्यूक्लियर अटैक कब और कहां करना है, इसके लिए भारत में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है। इसका पॉलिटिकल चीफ प्रधानमंत्री और एग्जीक्यूटिव चीफ एनएसए होते हैं। प्रधानमंत्री निर्णय लेते हैं कि परमाणु हमला कब करना है और एनएसए इस फैसले को लागू करवाते हैं। उस दिन दोनों ही करीब 45 मिनट तक पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में थे। ऐसे में अगर पाकिस्तान कोई शरारत करता तो क्या उस वक्त भारत का न्यूक्लियर कमांड उसका जवाब देने में सक्षम था? ये आज भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि बाद में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वीकार किया कि उनका पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर में बैठना जोखिम भरा फैसला था। 2.5 घंटे पाकिस्तानी जमीन पर रहने के बाद उन्होंने भारत के लिए उड़ान भरी और रात 8:30 बजे दिल्ली पहुंचे। तब कहीं जाकर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। भारत आकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि नवाज शरीफ ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और एयरपोर्ट तक मुझे छोड़ने आए, उनकी गर्मजोशी दिल को छू गई है। वहीं पाकिस्तान की अखबार द नेशन ने इसे मोदी का डिप्लोमैटिक मास्टर स्ट्रोक बताया। उस वक्त भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था, दैट्स लाइक अ स्टेट्समैन, पड़ोसियों के साथ ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। मोदी की सरप्राइज पाकिस्तान विजिट दुनिया भर की सुर्खियों में छाई रही। कई तरह के विवाद भी हुए। भारत की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी को नवाज शरीफ से पाकिस्तान आने के लिए इन्वाइट किया गया था, जबकि नवाज शरीफ के पूर्व विशेष सलाहकार तारिक फतेही ने यह दावा किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और कहा कि मैंने अपनी ऑफिशियल विजिट पूरी कर ली है, अब काबुल से दिल्ली लौटने वाला हूं। इस दौरान एक कप कॉफी के लिए आपसे मिलना चाहता हूं। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री उन्हें कैसे मना करते? खैर, राजनीति है तो वाद विवाद तो चलते ही रहेंगे, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इतना बड़ा और साहसिक कदम उठाने के बाद भी नापाक पाकिस्तान नहीं बदला। मोदी और शरीफ की मुलाकात के 8 दिन बाद ही 2 जनवरी 2016 की सुबह सवेरे पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। पाकिस्तान से आए 4 आतंकी मारे गए, लेकिन भारत को भी 7 सैनिकों की शहादत देनी पड़ी। जांच में पता चला कि पाक आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने यह हमला करवाया था। साल 2019 में एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में झूठ फैलाया गया था, लेकिन मेरे जाने से उनके बीच ये मैसेज गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। शपथ समारोह में नवाज को बुलाना, काबुल से आते समय पाकिस्तान जाना, इन 2 घटनाओं के बाद पठानकोट, उरी और पुलवामा हमलों ने दुनिया को यकीन दिलाया कि मोदी सच्चा है। उसने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। विदेश मामलों के जानकार सुशांत सरीन की माने तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ने दोस्ती की पहल का जवाब आतंकी हमले करके दिया। दुनिया के सामने ये साबित हो गया कि एक देश बढ़ चढ़कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरा पीठ में छुरा घोंपता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व डीजी ISI असद दुर्रानी अपने किताब रॉ ISI और शांति का भ्रम में लिखते हैं कि मोदी बहुत चतुर है, वो शोमैन है, वो अपने देश में वाहवाही लूटना चाहते थे। उसी दिन सुबह अफगानिस्तान में पाकिस्तान को कोसते हैं और शाम को लाहौर में लैंडिंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? उनके नाटक ने लोगों में भ्रम पैदा किया है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बात को सारी दुनिया अच्छे से समझ चुकी है और यही वजह है कि आज दुनिया मोदी को सलाम कर रही है, उन्हें द बॉस कह रही है, उनके ऑटोग्राफ के लिए इंतजार कर रही है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। आज भारत को किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो पाकिस्तान को यह समझने की कि जब तक हम शांत हैं तब तक पाकिस्तान आबाद है, वरना जिस दिन भारत की खिसकी फिर से घर में घुसकर मारेगा और पाकिस्तान अपनी बर्बादी के निशान समेटता रह जाएगा। नमस्कार।